वेलकम टू आवर चैनल, लेट्स डिस्कस। तो दोस्तों, आज हम क्लास सिक्स, सेवन्थ और एट्थ का वर्कशीट नंबर 30 करने जा रहे हैं, और आज डेट है 8 अगस्त 2020। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में दोस्तों, इस पिक्चर में हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 बजे करते हैं। तो हर एक घर का एक नियम होता है, तो आपके घर का भी एक नियम है होता होगा दोस्तों। देखिए, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस पिक्चर में नियम है, परिवार के सभी लोग मिलकर के खाते हैं एक साथ, तो परिवार में क्या होती है, अपनापन की भावना डेवलप होती है और लोग सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिलकर बैठकर करते हैं, जो जितने दिन भर की बातें होती हैं ना, रात को ही हम सब करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होता हूँ उसे अपनी डायरी में नोट करता हूँ। और बच्चों, ये मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होता हूँ उस बात को मैं डायरी में लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में एक परिवार है, उसके सारे लोग मिलकर के आपस में मिलकर के खाना खा रहे हैं, और इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, मतलब एज ए स्टूडेंट वो डायरी में वो नोट कर लेते हैं बच्चे। आइए, इसके क्वेश्चन से, इसका मैंने सॉल्यूशन मैंने लिख लिया है, उत्तर मैंने लिख लिया है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसका, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। तो मेरे घर में कुल 5 सदस्य, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, एक दादी माँ है, दादी माँ की पत्नी है, एक बहन, एक उनके हस्बैंड है, एक उनके दादी माँ की बेटी है, और एक उनकी पोती है। तो ये तो इस परिवार में, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं, मेरे घर में कुल 5 सदस्य हैं। आपके अनुसार घर में नियम होना जरूरी है क्यों? अनुशासन लगाइए। तो जी हाँ, हमारे घर में नियम होना जरूरी है, क्योंकि यह न केवल घर को सुव्यवस्थित रखता है, बल्कि साथ ही सभी सदस्यों को प्रेम भाव से एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, और तब हम अपने आप को विकास कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंध पर क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों, मिलकर बातचीत करने से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध सुधरते हैं, परिवार के आपसी संबंध सुधरते हैं, साथ ही हम एक दूसरे के साथ रहकर प्रेम व सहयोग की भावना भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसका आंसर, मेरी तरह आप भी किसी दिन की दिनचर्या को डायरी में लिखने को की कोशिश करें। तो बच्चे, आप इसको भी डायरी में लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आप इस फोर्थ का, और आप अपनी तरह से भी, ये जरूरी नहीं है जो वर्कशीट में कहा गया वही आपको लिखना, आपकी अपनी जो है ना डेली रूटीन वो डायरी में लिखनी है। तो जैसा देखिए, हमने अपने लिखा है, हम सुबह 6 बजे उठकर नित्य क्रिया यानी शौच करने के बाद व्यायाम करते हैं, उसके बाद नहा धो के खाना खाते हैं, 8 से 10 बजे विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास करते हैं, मतलब 8 से 10 बजे ऑनलाइन क्लास, टीचर वर्कशीट भेजते हैं और आप और हम मिलकर के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 10 से 12 बजे वर्कशीट हल करते हैं, और 4 से 6 बजे तक शाम को वर्कशीट का फीडबैक भेज कर अध्यापक को या अध्यापिका से जांच कराते हैं, शाम 6 से 8 बजे खेलते हैं और टीवी देखते हैं, और दोस्तों 8 से 9 बजे रात हम सभी परिवार के लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, इसके बाद हम सो जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपका वर्कशीट का आंसर था,
और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलते रहे और आप इसी तरह वर्कशीट को सॉल्व करें। थैंक यू दोस्तों।